इसमें टिकट ढूंढ रहे हैं। बिसलेरी वाला पानी है, ग्लास है। वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सलोनी और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आई थिंक मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक आ रहा होगा, उसके कारण मेरी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग तक नहीं जा रही, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग से जोर से बात करूँ। सो गाइज, हमारा जो बिहार है, वो बहुत ज्यादा फेमस किस किस चीज के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। स्पेशली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि कपड़े के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हमारा भारत, वो भी कौन से कपड़े के लिए, खादी कपड़े के लिए। सो गाइज इसी खादी जो कपड़ा बोलते हैं, खादी के कपड़े, उसी का आज हमारा यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर आरडीएस कॉलेज में लगा है खादी भंडार मेला। सो गाइज, आज मैं आई हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सो वीडियो को इन तक जरूर देखें, वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इफेक्टिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को मिस ना करें, इन तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज मेरे चैनल को मेक श्योर कर ले कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये जो मेला लगा है वो 8 जून से ही लगा है और 17 जून तक चल रहा है। तो आज हो गया है आपको 14 जून, तो अभी है 2-3 दिन। तो आई थिंक आप लोग जब तक मेरा ये वीडियो देखेंगे तब तक मेला होप सो की रहे, तो प्लीज जरूर देखिए और फिर आप यहाँ विजिट करें। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके कारण मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप अभी के टाइम आओ, अभी एग्जैक्ट 3:30-4 बज रहा है, तो थोड़ा इवनिंग हो जाएगा तो आप आओगे तो ज्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, बट अभी बहुत ज्यादा धूप के कारण आप अच्छे से घूम नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं आना चाहते तो फिर आप इस टाइम में आके यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो और यहाँ पे घूम भी सकते हो। तो चलिए यहाँ का वीडियो एंजॉय करते हैं। गाइस, यहाँ का स्पेस आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। कैन सी, मेरे से तो दिख भी नहीं रहा इतना स्पेस में है। सो गाइस, बहुत अच्छा खासा स्पेस और बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जाहिर सी बात है कि खादी मेला लगा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपको खादी चीज बहुत ज्यादा, खादी की ड्रेसेस हो गई, बैग्स हो गए, वो सब आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले। तो चलिए जो भी चीज यहाँ का है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि जैसे मैं एंट्री की हूँ, उसके आप जैसे आप एंट्री करोगे तो उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको एक लाइन से सारे खादी के कपड़े दिखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक बंडी, कुर्ता, शॉर्ट, क्या बोल सकते हो, कुर्ता, हाँ आई थिंक कुर्ता ही बोलते हैं, कुर्ता, साड़ीज़ वगैरह आपको सब एक लाइन से दिख जाएंगे। और भी है कुछ कलेक्शन यहाँ पे बैग्स वगैरह की, तो चलिए उसको भी कवर करते हैं। यहाँ से आके ले सकती है। फिलहाल गर्मी और धूप जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड फेस पे जो सीधा सन रेज पड़ रहा है ना, माय गॉड। सो गाइस, चलिए आगे का वीडियो एंजॉय करते हैं। विश्वविद्यालय से। अच्छा, तो यहाँ पे अंकल जो है नालंदा से आए हुए हैं। जी बताइए आप। हम लोग जो है तो नालंदा से आए हुए हैं खादी वस्त्र लेकर के। खादी में हर एक तरह का कपड़ा है हमारे पास, सिल्क से लेकर के मूंगा तक, साड़ी सूती है, मसलिन है, बंडी, धोती है खादी का। अच्छा जी,
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अंकल जो है नालंदा से आए हैं और इनके पास आपको काफी कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंडी है, साड़ी भी है, यहाँ पे आपको कपड़े मतलब ये थान में भी आपको मिल जाएगा। अभी मैंने जो एक्सप्लोर किया है जो नालंदा से अभी आए हैं अंकल, उन्होंने हमें दिया ये खादी का रुमाल, सो थैंक यू। सो गाइज यहाँ पे आपको जूट के इस तरीके से हैंड बैग मिल जाएंगे, देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा और बहुत ही सुंदर सुंदर सा जूट के बैग सब है, हैंड बैग्स या पर्स बोल या आप उनको, वो तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ पे है और भी सारा बहुत सारा कलेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे आपको होम डेकोरेट करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना सोफ़ा वगैरह के बगल में डालने के लिए, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे बेडशीट मिल जाएगी, अच्छी अच्छी बेडशीट है, आप देख सकते हैं शायद पीछे कालीन भी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कालीन भी रखी हुई है। फिर आपको इसके बाद जो है यहाँ पे साड़ी भी दिखेंगी, पूरा हैंड से प्रिंट किया जाता है, पूरा हैंड से प्रिंटेड किया जाता है और ये जो बनाया जाता है ये कुकुन से बनाया जाता है। कुकुन निकालो सिंपल स्टार्टिंग है मधुबनी पेंटिंग है, मेरी मम्मी के पास सेम है बट मेरी मम्मी के पास है सिल्वर कलर में, ये इससे ही निकलता है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये सिल्क जो है इसी से बनता है, कुकुन कहते हैं कुकुन जी, इसे लेडीज है ना अपने पैरों पे यूं, और ये जो पूरा प्रोसेस देख रहे हैं पूरा हैंड से पेंट किया, हैंड से पेंटेड हां, बिहार का बहुत फेमस मधुबनी पेंटिंग जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। ये देखिए ये इस फ्रेम पे प्ले स्टोर से ऐप भी है, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, 3 दिन में हम लोग डिलीवरी देते हैं, वो भी फास्ट है सीओडी के साथ। वैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? भागलपुर। भागलपुर, थैंक यू सर। इसके आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे कलर्स के आपको कालीन दिखेंगे, फिर डोरमैट आपको दिखेगा, वो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है। नहीं इसके थोड़े से जस्ट बगल में आपको बच्चे की खेलने के लिए भी कुछ टॉयज़ वगैरह भी है तो इन्जॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लेडीज़ लोग के लिए इयररिंग्स चूड़ीज वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना राही के बिस्किट्स और यहाँ पे ना एक मशरूम की बिस्किट आपको भी दिखेंगे, एंड ये मशरूम की बिस्किट्स है। एक पैकेट कितने में आप दे रहे हो? ये गेहूं का रोस्टेड है ये। अभी हम लोग आए हैं फूड स्टॉल के पास, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है जो कि बहुत हेल्दी है, तो यहाँ पे भी मुझे मिला है गेहूँ के कॉर्नफ्लेक्स, जो बच्चे लोग को कॉर्नफ्लेक्स पसंद है वो मक्के की होती है बट यहाँ पे आपको गेहूँ के मिल रहे हैं, तो इसका अब मुझे मिला है पॉपकॉर्न, गेहूँ का पॉपकॉर्न, तो वो कुटा हुआ चना जो होता है वो भी है, तो मैं दिखा देती हूँ। अंदर से भी ये कोई प्लास्टिक का यूज नहीं है इसमें, इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक पे ध्यान दें, आजकल हम लोग मिलावटी चीज़ें खा खा कर परेशान होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए। तो गाइस यहाँ पे मशरूम के बिस्किट मिल रहे थे, वो भी प्योर देसी घी में बना हुआ, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं मशरूम के बिस्किट को, उसका टेस्ट उसका वो ऑसम था, उसके अंदर घी की अच्छी फ्लेवर आ रही थी। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत कलरफुल आपको ब्लाउजेज मिल रहे थे अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर के, तो आप यहाँ पे कोई था नहीं वरना मैं इसका प्राइस ज़रूर पूछ के आपको बताती रहा। तो गाइस इसके बाद हम लोग गए थे जूस पीने के लिए जूस के स्टॉल के पास, तो यहाँ पे हमने दिखा हनी, प्योर हनी आपको यहाँ मिल रहा था। गाइस भूख बहुत ज़्यादा है और हम लोग को अभी हाइड्रेट होने की ज़रूरत थी, तो हम लोग ने लिया है मैंगो जूस और लीची जूस, तो चलिए ट्राई करते हैं, पहले हम लोग मैंगो जूस ट्राई करते हैं। अब हम लीची का जूस ट्राई करेंगे, नाइस। फिर आपको यहाँ पे ओरिजिनल बत्ती जो बोलते हैं ना दीप वगैरह में जलाने के लिए, वो आपको यहाँ पे मिल रहा था और वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे। और इसके बाद हमें यहाँ पे दिखा था ऑयल, जी हाँ ये प्रधानमंत्री वाला कोई ऑयल था, तो आप आके यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है।
सो गाइस इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पेट पूजा की तरफ। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स लगे थे, पर आपको चाउमीन था, आलू टिक्की थी और बिहार का फेमस लिट्टी चोखा भी था यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं, क्या क्या वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो गाइज अभी हम लोग टेस्ट करने वाले चाउमीन और ये हम लोग लिए आलू टिक्की। एक फूडी का फेवरेट यहाँ पे क्या बोलते हैं खाने वाले स्टॉल को कवर करने, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पापड़ी चाट, टिक्की चाट, नूडल्स और शाही लिट्टी जो हमारे बिहार का फेमस है। तो चलो क्योंकि नूडल्स मुझे दिख रहा था उतना टेस्टी नहीं होगा, बट उतना खास नहीं है, बट 30 रुपीज में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इट्स ओके। एंड देन ये जो है आलू टिक्की चाट, क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है, 40 रुपीज का चाट है ये। और इसमें इन्होंने आलू टिक्की की आलू टिक्की, पापड़ी, छोले और वो खट्टा मीठा मसाला डाला है। टेस्ट इज ओके, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड, थोड़े थोड़े से यू नो पानी जैसे। वैसे भी मेले का खाना क्या एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक ठाक है, ओके। सो गाइस खाने का रिव्यू मैम ने दे दिया, अब हम लोग बस फूड एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर मतलब थोड़ा शाम हो जाने के बाद ये जो काउंटर है वो खुल चुका है, ये खुल चुका है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम लोग एंडिंग करते हैं, ओके। गर्मी के बाद फाइनली थोड़ा वेदर जो है वो सही हो गया और मेला का मेला जो यहाँ पे वो ऑलमोस्ट ख़त्म, मतलब मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, मेला भी स्टार्ट ही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत चीज़ खाली है, बहुत सारा स्टॉल्स वगैरह लग ही रहा है, बट हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया और जो भी था हम लोग लास्ट में खाया पिया। एंड चलिए फिर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल अगर रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नया आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।